एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित मीरपुर सीतापुर गांव पड़ा। लगभग 1900 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान करम सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1250 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 280 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 6 सीसीटाइल्स रोड, नाला व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवासों का भी निर्माण कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 17 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 40 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 16 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी की टंकी, स्कूल की बाउंड्री, पंचायत घर, नाला, स्वास्थ्य केंद्र, कब्रिस्तान व शमशान घाट की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। गांव मीरपुर सीतापुर कस्बा सरसावा जिला सहारनपुर। हमने गांव में 16 ऊर्जा लाइटें लगवाई हैं, 6 आरसीसी सड़कें और 4 मकान प्रधानमंत्री योजना से और 1 मकान लोहिया से। हमारे गांव में एक टंकी लगनी चाहिए और नलकों की 300 फुट नीचे लगने चाहिए और स्कूल की 4 दीवारी और मरम्मत होनी चाहिए और पंचायत घर बनवाने के लिए और कब्रिस्तान शमशान घाट पे 4 दीवारी और खड़ोचा। और पहले जो समाजवादी पार्टी की पेंशन थी वो नहीं आ रही, अब वो भी चाहिए या कोई और पेंशन हो वो भी। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मैं ग्राम निवासी, मेरा नाम कौरपाल है। प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, प्रधान जी ने बहुत बड़ा काम, सरकार बहुत बड़ा चल रही है।